क्यों में वही इम्तिहान देते हैं, रसूल पाक पे जो अपनी जान देते हैं। हम आप पहुंच के मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है जादे के राम यहाँ तशरीफ रखे हैं, अल्लामा मुमताज आलम और हजरत शहजाद साहब, वो भी अपने आंखों से मदीने शरीफ को देखे और ताज़ा ताज़ा हुजूर ने अभी तकरीबन एक माह पहले मदीने शरीफ की सुनहरी जालियों को अपने आंखों से देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदवार भी वहाँ पहुँचा है। जब उस मकाम पे मस्जिद नबवी पे नमाज पढ़ने का हमें शर्फ हासिल हुआ तो ऐसा लग रहा था कि आज़ाद तो नहीं और नहीं, आज भी बिलाल की हजरत बिलाल की आज़ाद की आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही है। मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है अमा बिलाल आज भी जैसे आज़ाद, माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, नबवी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे अज़ान देते हैं। बिना किसी ताखीर हुजूर मुहब्बी बिलक सरकार सैयद हसन अशरफ की बारगाह में अर्ज़े हुजूर पेश करूंगा कि हुजूर वाला आए अपने खिताब का जोहर हम सामाइन के समातों के हवाले करें, पूरा मजमा खड़े होकर इनका इस्तकबाल करे, नारे हिजरत तकबीर व रिसालत के गुम में मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को लहराते हुए नारा लगाए, नारे तकबीर अल्लाह रसूल अल्लाह कौम सोई हुई है, इनको जरा जगा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।